आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी का नंबर वन एसपीसी इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर, फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 Mbps अब सिर्फ 1599 रुपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रुपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाइपर राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस एसपीसी इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। भिवंडी में कुत्तों के आतंक को देखते हुए भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद ने अब उनके एक शेल्टर खोल रहा। इस शहर में हर तरह के कुत्ते आपको मिलेंगे, काटने वाले, भौंकने वाले, खुजली वाले और भौंकने वाले। पिछले कई सालों से इन कुत्तों की तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे वो भिवंडी ईस्ट हो चाहे वो भिवंडी वेस्ट। कुत्ते हर जगह मिलेंगे, भौंकते हुए, चिल्लाते हुए। पिछले कई महीनों से ये कुत्ते इसी तरीके से भौंक रहे हैं, चाहे कोई त्योहार हो, कोई समारोह हो, कोई प्रोग्राम हो या होने वाले चुनाव हो, इलेक्शन हो। हर सभा के बाहर, हर कार्यक्रम के बाहर ये कुत्ते इसी तरह से भौंकते हुए नजर आए, जिससे होने वाले प्रोग्राम सभा में बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अब इन कुत्तों को पकड़े कैसे, इन्हें ले जाकर बंद करे तो कहां करे, तो कमिश्नर अजय वैद ने इनका भी रास्ता निकाल दिया। ऐसे तमाम कुत्तों को पकड़कर ईदगाह पर खोले गए शेल्टर में डाल दिया जाएगा, जहां इनकी नसबंदी होगी, इनका इलाज होगा, इनकी देखभाल होगी, और ये जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब उन्हीं के इलाके में इन्हें दोबारा छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है इन तमाम बातों के बाद ये जो भौंकने वाले, काटने वाले, खुजली वाले कुत्ते हैं, इनमें कुछ तब्दीली आ जाए। काश के इनके इलाज के साथ साथ इनके दुमों को भी सीधा किया जाता, मगर वो कहते हैं ना कि इनके दुम को कई साल तक भी नाली में रखोगे और जब निकालोगे तो ये टेढ़ी के टेढ़ी रहेंगी। अगर ये टेढ़ी दुम वाले कुत्ते इलाज के बाद या नसबंदी के बाद भी थोड़ी बहुत सुधर जाए तो इस शहर को इनसे थोड़ी बहुत निजात मिल सकती है, या ये शहर थोड़ा सी अच्छी सांस ले सकता है, इनसे होने वाले रेबीज से लोग बच सकते हैं। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसे भौंकने, काटने और खुजली वाले कुत्ते हैं तो आप बराए मेहरबानी ईदगाह शेल्टर हाउस में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उस कुत्ते को वहां पर पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके जो इलाका है वहां पर शांतता बरकरार रहे। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2012 में जो काम रुक गया था महापालिका की तरफ से, ये जो स्ट्रे डॉग्स है उनका निर्बीजीकरण करने का काम जो रुक गया था वो 2024 में हमने पूरा करके दिखाया है। आपको मैं बताऊं कि 6 बार इसका निविदा करना पड़ा, 4 बार जो निविदा है उसको मुदत वक्त देनी पड़ी, फिर भी कोई सामने नहीं आया था। लेकिन ये जो संस्था है हैदराबाद की, वेट स्टरलाइजेशन में स्पेशल संस्था है ये, और ये संस्था के कारण ये अपना काम संपन्न हो रहा है। पेटा के जितने नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश है और प्राणी मित्र संगठन की जितनी भी डिमांड है वो सबको पूरा करने के हिसाब से हमने ये पूरी सेंटर फैसिलिटी बनाई है। आपने देखा होगा अभी 144 कुत्ते यहाँ पे है, अभी ऐसा इसकी संख्या और दुगनी कर दी जाएगी। अपने भिवंडी में आज की तारीख में साधारण 13,500 कुत्ते है। सभी कुत्ते कोई डरावने नहीं है, लेकिन जो कुत्तों ने काटने की जो जरूरत हुई है, काटने का जो जो प्रसंग हुआ है, बहुत सारे लोगों को काटा हुआ था, तो हमारे यहाँ के लोकल जो
विधानसभा के जो आमदार हैं रईस शेख साहब, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में और हमको आदेश मिला था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो प्रशासन ने रिकॉर्ड टाइम में सबसे फास्ट काम करके ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, हमारे सिटी इंजीनियर श्री सचिन नाइक साहब, इसके लिए बहुत बहुत उनको आभार और उनका जितनी तारीफ की उतनी कम है। और उसके साथ हमारे जो आरोग्य विभाग के सोनौने साहब है और तातली साहब है, इन्होंने सब मिलकर ये काम किया। आपको मैं बताऊं कि ये कुत्ता जहां भी काटता है या जहां जख्मी अवस्था में मिलता है उसको साइंटिफिक तरीके से वहां से उठा के उसको यहां ट्रांसपोर्ट करके हम यहां केज में रखते हैं। उसके लिए उपचार आप ये देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर है, एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर है, यहां आप सब तरह की दवाई देख रहे हैं और कुत्ते का केज भी देख रहे हैं। इस कुत्ते का पूरा ट्रीटमेंट करके नियम के हिसाब से उसको वहीं पे छोड़ा जाता है। बहुत सारे कुत्ते जो रहते हैं उनको रेबीज वगैरह नहीं हुआ होता लेकिन अपने मन में डर होता है तो लोग उनको पत्थर मारते हैं या उनको ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। तो मेरी सभी जनता से आह्वान है कि आप कुत्तों को भी प्यार करिए, आप ये सोसाइटी का वो हिस्सा है और जहां उसका स्थान है वहीं उसको बना रहने का अधिकार है। तो कुत्ते को आपको अगर खाना देना है तो आप एक विवक्षित टाइम पे विवक्षित जगह पे उसको खाना दीजिए, ये मेरी आपके सबसे विनती है। मैं खुद श्वान प्रेमी हूँ, मेरे खुद के घर में श्वान है, तो मुझे ये बताते हुए और ये काम करते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि इतना अच्छा काम हम शहर के लिए कर चुके। और ये जो कुत्ते हैं जो बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा बता नहीं सकते, उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट इधर दे सकते हैं, उसके लिए हम सफल हो गए हैं। ये पूरा सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत रहेगा, तो यहाँ जो भी फैसिलिटी है जो भी काम है ये पूरा निगरानी में होगा, वेटरनरी डॉक्टर यहाँ रहेंगे। ये संस्था जो है उल्लासनगर में भी काम कर चुकी है, इनका भी काम समाधान कारक है और इन्होंने अभी भिवंडी में काम करने का जिम्मा उठाया है। हमारे यहाँ साधारण 13,000-13,500 से भी ज्यादा कुत्ते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सभी कुत्ते डराने नहीं है, तो महापालिका ने अपने एक केयर लेने की तरफ से और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की तरफ से एंटी रेबीज ड्रग जो है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं कि आईजीएम हॉस्पिटल के पास भी ड्रग्स नहीं थे जो हमने सप्लाई किए हैं। तो इस तरह से हमारे एमओएच है उस टाइम डॉक्टर बुशरा मैडम थी, उन्होंने ये पूरी फैसिलिटी दी है, तो उनको भी बहुत सारा आभार। और ये सब काम जो है, मुझे जनता से अपील है कि कुत्तों के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाए रखें, उनके ऊपर पत्थर फेंकना लात मारना ऐसा मत कीजिए। फटाके जब जलते हैं तो कुत्तों को बहुत जबरदस्त जख्म हो जाती है, उनको वहां से दूर रखिए। तो आप भी थोड़ा केयर कीजिए, तो मुझे लगता नहीं है कि कुत्तों के ये जो अभी जो तकलीफ चल रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसे मेरा विश्वास है। अभी जो कुत्ते जो है उनका निर्बीजीकरण होने के बाद ये साइकिल में होता है, तो जो कुत्ते निर्बीजीकरण करके वापस उसी जगह पे छोड़े जाएंगे तो कम से कम आगे वाली जनरेशन में नए स्ट्रे डॉग्स पैदा नहीं होंगे, ये हमारी कोशिश है। आगे जाके मेरा एक प्लानिंग ऐसा है कि जिनके घरों में कुत्ते पाले हैं उनके लिए एक कुत्तों के लिए मुझे गार्डन बनाना है भिवंडी में। तो आज ही मैंने एडीडीपी से चर्चा किया है कि वहाँ एक लोकेशन में हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ पे जो पालतू कुत्ते हैं उनको घुमाने के लिए एक जगह हम दे रहे हैं कि उनको भी एक अच्छा एनवायरमेंट मिले। अगर वो कुछ उनका जो विष्ठा है जो भी है वो उठा के एक जगह पे कलेक्ट करके हम उसको उठाएंगे ताकि गंदगी भी ना फैले। तो इस तरह से ये जो प्राणी के प्रति जो सहानुभूति है जो दया भाव है वो दिखाने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है कि हमारी महापालिका और उसके आरोग्य के पूरे कर्मचारी अधिकारी वैद्य के आरोग्य कर्मचारी और सिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट के कर्मचारी सबने सहभाग दिया। अभी हमारे डीएमसी नए दोंदे साहब है आरोग्य के, उनको भी ये बात पूरी मालूम है तो उनका भी इधर ध्यान रहेगा। सर ये बताइए इसका प्रोसेस कैसा होगा, पर कुत्तों पे कितना खर्चा है? हमारे पर कुत्ते पे ट्रीटमेंट के लिए 1450 रुपए का रेट तय हो चुका है जो सबसे कम है मार्केट में आज की तरक में। और उसको साइंटिफिक तरह से जैसे आपको मैंने बताया कि आपने अगर कोई कंप्लेंट किया या आपके नजर में कोई कुत्ता ऐसा आया तो इसको हम आरोग्य के कर्मचारी को बताएं, वहां से संस्था को मैसेज जाएगा, वहां से कुत्ता साइंटिफिक तरह से उठा के एकदम ड्यू केयर लेके उसको यहाँ पे लेके आएंगे, उसका जो भी ट्रीटमेंट है देखभाल करेंगे। ट्रीटमेंट देखभाल या ऑपरेशन होने के बाद और निर्बीजीकरण होने के बाद उस कुत्ते के ऊपर एक निशान किया जाता है तो आपको समझेगा कि ये कुत्ता का ट्रीटमेंट हो चुका है और वापस उसको उसी जगह पे छोड़ा जाता है, ऐसा पूरा प्रोसेस है। मान लो कि शहर में अगर इस तरह से कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो काटने वाले, अगर ये जनता को अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना तो इसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा, संपर्क किससे? आरोग्य के कर्मचारी है, उनका आरोग्य का हेल्पलाइन अपना है ही, उन्हीं को आपको करना है। सर एक सवाल मेरा ये कि 2012 में इसी प्रकार का एक और सेंटर चालू किया था परंतु बंद हो गया। शहर में जो काम जो सेंटर चालू ये सराहनीय है परंतु कुछ लोगों को इस तरह का आशंका है कि हो सकता है कि आगे चलकर ये भी बंद हो जाए, क्या पहले जैसा ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी इस पे ऊपर पूरी निगरानी रहेगी। और आपको मैं बता दूं
के जो इंस्टीट्यूट है जिनको ये टेंडर मिला है, इनके जो मेन प्रेसिडेंट है ये यहाँ खड़े है, ये खुद श्वान प्रेमी है, तो ऐसा उनकी तरफ से कोई गलती या कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।